और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर आपको बता दें राजधानी के ज्वेलरी शॉप में लूट का मामला। यह बड़ी खबर आपको बता दें, ज्वेलरी और 30 लाख की नकदी की चोरी हुई है। पुलिस की गश्त पर उठ रहे हैं सवाल, चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस, अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां के राजधानी के ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी और 30 लाख की नकदी की चोरी की गई है। पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं, चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर ये बात किया है तो 10 दिन के अंदर ये तीसरी लूट की वारदात है। इसके पहले बात किया तो रचुना नगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, फिर बाग सिवनिया थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से जो है नकली बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, और अब जो है अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 10 दिन के भीतर 3 लूट की वारदात जो है राजधानी भोपाल से सामने आई है। 3:30 बजे करीब पुलिस को सूचना मिलती कि डी सेक्टर में विकास जैन जी की एक ज्वेलरी की शॉप है, जहां पर 4-5 लोग शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ सोने चांदी के जेवर वगैरह चुरा कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और जो आरोपी लोग भागे उनकी रास्ते पर जब नाकाबंदी करी तो एक स्कॉर्पियो जैसा कोई वाहन उसमें नजर आया, जिसमें 5 से 6 लोग सवार नजर आए और उनको काफ़ी फॉलो करने का प्रयास किया गया, किंतु अंधेरे का फायदा लेकर वो चुराया हुआ सामान लेकर भागा।